हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से स्टोन ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिनकी भी स्टोन ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए और जो भी मैं कहता हूं उसे फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह से मैंगो के बेबी प्लांट को कलेक्ट करना होगा। आप इस तरह से गुठली के साथ बेबी प्लांट को निकाल कर लेकर आइए। आपको जितने भी मैंगो के प्लांट मिले उन सभी प्लांट को कलेक्ट कर लीजिए। तो इस वाले सायन को मैं इस प्लांट पर ग्राफ्टिंग करने वाला हूं। तो ग्राफ्टिंग के लिए हमें इस तरीके की ग्राफ्ट प्लास्टिक टेप चाहिए और एक शार्प ब्लेड चाहिए। आप कोई भी ग्राफ्टिंग नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले प्लांट को मैं इस तरह से कुछ नीचे से 2-3 इंच छोड़कर ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दूंगा। और आप प्लांट को सिलेक्ट करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि आप जो भी प्लांट ले रहे हो उसके पत्ते इस तरीके की कॉपर कलर के होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्लांट के जो गुठली है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है और आपकी ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस हो जाती है। तो मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया है और अभी मैं जो सायन है उस पर कट लगाने वाला हूँ। तो ये जो है अल्फेंसो मैंगो वैरायटी का सायन है और आप सायन को उसी पेड़ में से ले आइए जिस पेड़ पर ज़्यादा फ्रूट लगते हो, उसी में से कुछ कोई अच्छी सी ब्रांच देखकर उसमें से इस तरह से सायन सिलेक्ट करके लेकर आइए। और अभी मैं इस यहाँ पर कट लगाने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले इस सायन को इस तरह से एक साइड में कट लगाना होगा। इस वाले सायन पर मैं वी शेप में कट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उससे कट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है जिससे आप शार्प कट नहीं दे पाते और आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। तो इस पर मैंने कुछ इस तरह से एक साइड में लंबा कट दिया है और दूसरे साइड में एक छोटा सा कट दिया है। तो आप इस तरह से सेम तरीके का कट लगा दीजिए। और फिर रूटस्टॉक पर भी हम सेम कट लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से नीचे से एक 45 डिग्री एंगल में छोटा सा कट लगाइए और उसके बाद ऊपर से बिल्कुल बीच में से इस तरह से कट लगा दीजिए। इसे आप बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ब्लेड जो है बहुत शार्प होती है और आपकी जो है कट हो अंदर तक जा सकती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से इस पर कट लगा दिया है। अब मैं इस सायन को यहाँ पर इस तरह से फिट करूँगा। जो सायन और जो रूट स्टॉक का जो केम्बियम लेयर होता है वो बिल्कुल एक साइड में हो जाना चाहिए। तो आप किसी भी एक साइड में उसे पैलर करके उसे इस तरह से लगा दीजिए। फिर मैं इसे प्लास्टिक टेप से रैप कर दूँगा। तो आप इस वाले प्लास्टिक टेप को अपने घर पर ही बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी ज़्यादा थिक वाली प्लास्टिक है तो आप उसे लंबे स्ट्रिप में काट लीजिए और उसे खींच के बड़ा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इस प्लास्टिक को इस पर रैप कर दूँगा। आप इसे बहुत लाइटली रैप कीजिए, ज़्यादा टाइट या फिर ज़्यादा कसकर मत बांधिए। इससे आपकी जो मैंगो की जो बेबी प्लांट है वो मर जाएगी। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो ये जो है अंदर से सड़ने लगेगी और आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ लाइटली ऊपर से बांध दीजिए। जो सायन और जो रूट स्टॉक है वो एक दूसरे से टच होने चाहिए, जिससे कि जो है इनका फूड मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। तो आपको वीडियो में देख रहा होगा कि मैं ज़्यादा टाइट बांध रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बस मैं इसमें लाइटली बांध रहा हूँ और इस तरह से एक बार रैप करने के बाद उस पर फिर से धागे की तरह लपेट कर यहाँ पर इस तरह से एक गांठ लगा दीजिए। तो ये जो है वो ग्राफ्टिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे पॉली बैग में लगाएंगे। तो अगर आप जो रूट बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसे आप इस तरह से कट कर दीजिए, जिससे आपको पॉट में लगाते वक्त आसानी होगी और जहाँ से आपने रूट कट किया है वहाँ से और 2-3 रूट्स निकलेंगे। तो मैं इसे इस वाले पॉली बैग में लगाऊंगा। तो इस जो मैंने सॉइल मिक्सचर ली है उसमें मैंने
30% जो है गोबर की खाद मिलाई हुई है और 50% जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 20% इसमें मैंने सैंड मिलाई है। तो आप इस तरह से सॉइल मिक्सचर बनाकर इसमें प्लांट को लगा सकते हैं। और आप कभी भी ग्राफ्टिंग कर रहे हो तो इस तरह से एक साथ 5-6 प्लांट में ग्राफ्टिंग कर दीजिए, ताकि उसमें से आपके 2-4 तो प्लांट ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैंने इस वाले पॉलीबैग में इस प्लांट को इस तरह से लगा दिया है। आप फिर लगाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और फिर आपको इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर डाल के उसे बांध देना होगा, ताकि अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी बनी रही है और इससे ही आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है। आप कोई भी ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपको ऊपर से इस तरह से प्लास्टिक कवर से ढक देना होगा, या फिर आप पॉली हाउस है तो उसके अंदर भी प्लांट को रख सकते हैं। मैं इस वाले प्लांट को इस तरह से एक कवर डाल के फिर से पॉली हाउस के अंदर ही रखने वाला हूँ। अगर आप इसे ओपन एरिया में रखेंगे तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शेड वाले एरिया में रखिए,